अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। बहुत देर से आने के लिए माजरत, शादी में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। तो जी, आज मैं आपके साथ अपने कमरे में बिछाने वाली फ़र्स्ट बेडशीट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, और इसका मटेरियल भी शेयर करूँगी कि इसका कपड़ा फैब्रिक कैसा था। तो जी चलिए चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो जी शादी के एक महीने बाद मैं हो गई थी अपने घर पर शिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी ये बेडशीट्स जो कि मुझे मिली थी दहेज में मिली थी, और इसके साथ इस तरह के दो कुशन्स हैं। ये सलोनिका फैब्रिक्स की हैं, कॉटन लॉन ये मिक्स कुछ फैब्रिक है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो अब हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जल्दी से आपको दिखा देती हूँ इसको ओपन करके। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। वैसे मुझे इसमें एक दुख था, इसमें जो है वो सिर्फ पिलो के कवर्स थे बट कुशंस के कवर नहीं थे। कम से कम दो वो दे देते, जिस तरह के नेवी ब्लू में इसके ऊपर बने हुए हैं, तो इस तरीके से अगर हो जाते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। वैसे काफ़ी बड़े साइज़ के इसके अंदर जो है वो पिलो के कवर्स हैं, और बहुत ही अच्छे ज़्यादा जो है वो स्टिचेस हुए थे। ये मैंने अभी भी जो है इसके ऊपर जो पहले वाली चादर बिछी हुई थी तो वो मैंने उतार दी है, क्योंकि वो पहले दिन से बिछा दी थी जब बरी वगैरह सबको दिखाई थी, तो तब से वो बिछी हुई थी। और जब मैं वापस शिफ्ट हुई हूँ घर पर तो हमने जो है इसको रिमूव कर दिया, और मैंने कहा कि इसको जो है बिछा देते। और यहाँ पर मैंने जो है मेरे पास कुशन्स पड़े हुए थे तो स्काई ब्लू कलर के, और बहुत ही खूबसूरत है, और इन तीनों को जो है मैंने मैच कर दिया था। मैंने कहा था चुटकी बजा के जो है ना इन सारे के ऊपर कवर्स जो है वो मैं चढ़ा दूँ, और यहाँ पर सबके जो है ना वो मैंने कवर्स जो है वो चढ़ा दिए हैं। जैसे कि जैसे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, प्रिंट के साथ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बेड जो है वो मैंने कहा ना उस पर भी चुटकी बजा के चढ़ा देती हूँ। वैसे तो इतना आसान नहीं होता कि चुटकी बजाए और काम हो गया, शायद रियल लाइफ में भी अगर ऐसा हो तो बहुत ही ज़्यादा सुकून आ जाए। तो वैसे मैंने आप लोग को अपना पूरा रूम का जो है वो विज़िट भी नहीं करवाया है, उसके लिए माजरा। तो इंशाल्लाह जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं बाद में मैं आपको सारी कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह सब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन दिखाती जाऊँगी। वैसे आप मेरे बेड और साइड टेबल्स को तो देखकर बता ही सकते हैं कि कैसे हैं, और मुझे ये चादर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी माशाल्लाह। अब यहाँ पर हमने जो है वो बेडशीट के बाद जो है जल्दी से हमने कुशन्स और पिलो सेट कर लिए हैं, और अब मैं जो है ना इसके ऊपर लास्ट में जो है वो कंबल वगैरह को भी सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आज इतनी लंबी वीडियो जो है ना वो एडिट नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी दिन बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे हो चुके हैं। खैर सब्सक्राइबर भी काफ़ी कम हो रहे हैं, तो मुझे इसी टेंशन हो रही थी। वैसे आपको फ़ाइनल लुक कैसा लग रहा है मेरे रूम का? माशाल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और ये मेरे जो है ना बेड के डिज़ाइंस के साथ ये बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही है। और इसका मटेरियल आप देख सकते हैं, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, ये कॉटन में है, कॉटन और इस पर इसके अंदर दूसरा फैब्रिक भी थोड़ा मिक्स है। वैसे ये सलोनिका की ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है वो किसी भी अच्छे बेड शीट के जहाँ से आपको अवेलेबल हो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। वैसे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, और काफ़ी अच्छे और लिमिटेड बजट में आपको ये मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है जितने भी सारे फ्लावर्स जो हैं वो मुझे गुलदस्ते टाइप मुझे मिले थे शादी पर, तो मैंने यहाँ पर इनको वास वगैरह में यहाँ पर सेट करके रख दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये मुझे जो बलून्स बहुत सारे प्यारे प्यारे मिले थे ना वो भी अभी तक मैंने हटाए नहीं हैं, और यहाँ पर आई लव यू का बलून, मेरे अपने नेम्स के बलून बिल्कुल नहीं हटाए हैं, मैंने इसी तरीके से रखे हैं। तो जी आज का ये छोटा सा, मैंने कहा कि आपके साथ बेडशीट का ब्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। आई होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग बिल्कुल पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।